आपका ये स्नेह और आशीर्वाद हमें जो मिला है इसके लिए मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मेरा अपना शिक्षा और अध्यापन के क्षेत्र में 20 सालों का अनुभव रहा है और मेरा एक सपना था कि मैं कभी अपना स्कूल चलाऊं। ये सपना मेरे परिवार के सहयोग से पूरा हुआ। मैं अपनी छोटी सी बात आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। जब हमने स्कूल चलाने की तैयारी की तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि हमें कुछ समय के लिए रुकना पड़ा। कहते हैं कि जब अंधेरा होता है तो कोई न कोई छोटा सा दिया भी रोशनी कर देता है और मेरे जीवन में मैडम सुषमा ये छोटी सी रोशनी बनकर आई। जब उन्होंने कहा कि आप स्कूल चलाइए, मैं आपका सहयोग देती हूँ, और मेरा भाग्य अच्छा था कि मेरे साथ हम लोगों के साथ आप सभी के आशीर्वाद से जो काम कर रहे हैं वे आप सभी के सामने ही है। 2016 में हमने SMS किड्स की शुरुआत की थी। उसके बच्चों की स्ट्रेंथ हमारे पास लगभग 100 के करीब होने जा रही है। इसमें हमारी पूरी मैनेजमेंट, टीचिंग, नॉन टीचिंग, जो भी हमारा स्टाफ रहा है उसका बहुत बड़ा योगदान है। इन सभी के भरगस प्रयत्नों से हम आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। प्ले सेक्शन के अलावा आप सभी जानते हैं कि सुपर मैग्नेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फर्स्ट से प्लस टू तक हमारे बच्चे यहाँ शिक्षा ले रहे हैं। हमारे बच्चों ने बहुत सी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया है, सभी में वह विजेता रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि प्लस टू कक्षा का छात्र ऋतिक जसवाल पूरे हिमाचल प्रदेश में मैथमेटिक्स ओलंपियाड में प्रथम आया है, जो हमारे लिए और पूरे स्कूल के लिए, पूरे प्रदेश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। मेरी अभिभावक वर्ग से ये प्रार्थना है कि ये छोटे छोटे बच्चे खिलते हुए फूल हैं, हमें इन पर किसी भी बचपन में इतना बोझ न डाला जाए कि ये अपना व्यक्तित्व संवार न सके। कभी भी अपने बच्चे की तुलना मेरी अभिभावक वर्ग से ये प्रार्थना है कि कभी भी अपने बच्चों की तुलना किसी दूसरे से ना करें। वो अच्छा लिखता है, ज्यादा लिखता है, मेरा बच्चा पीछे है, ऐसी तुलना से आप अपने बच्चे अपने तनाव का दबाव अपने बच्चे पर डाल देते हैं जिससे उसका शत प्रतिशत उभर कर नहीं आता है। आप अपने बच्चे को मोबाइल से, टीवी से, दोनों ही चीजों से दूर रखें। प्रोत्साहित करना है, प्रोत्साहन में बहुत बड़ी ताकत होती है। एक बार की बात है, एक लड़का स्कूल से घर आता है और अपनी माँ को एक पत्र देता है और कहता है, माँ मेरे अध्यापक ने आपको ये पत्र भेजा है। माँ पत्र को पढ़ती है और जोर जोर से रोने लगती है। लड़का पूछता है, माँ पत्र में क्या लिखा है? माँ कहती है, पत्र में लिखा है आपका बेटा जीनियस है, ये जीनियस बच्चा है, इस बच्चे के लिए हमारी पाठशाला छोटी पड़ जाएगी, आप इसे खुद ही पढ़ाएं। माँ ने उस दिन से लेकर मरते दम तक अपने बच्चे को खुद ही पढ़ाया। वो लड़का सच में ही जीनियस था जिसने पूरी दुनिया को प्रकाश रोशनी दी, जिसका नाम आप सभी जानते हैं थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब का आविष्कार किया। जब वह एक दिन अपने पुराने सामान को वो निकाल रहा था, उसी वक्त उसको वो खत भी मिला जो माँ के पास था। माँ के मरने के बाद उसने वो खत निकाला और उस खत को पढ़ा। जब उसने खत पढ़ा तो उसकी आंखें भर आई, वो जोर जोर से रोने लगा। उस खत में लिखा था कि आपका बच्चा एक मानसिक रोगी है, हम तो क्या किसी भी स्कूल में, किसी पाठशाला में इसको शिक्षा नहीं दी जा सकती है, इसलिए आप अपने इस बच्चे को अपने आप ही पढ़ाइए। ये पढ़कर के थॉमस रोने लगे और सोचने लगे कि माँ के प्रोत्साहन से क्या से क्या बन गए। प्रोत्साहन और प्रेरणा अध्यापक वर्ग से और अध्यापक वर्ग से मेरी प्रार्थना है कि बच्चों को प्रेरित करें, उत्साहित करें, संस्कार दें। अध्यापक बच्चों को समाज में रहने की शिक्षा देता है, मगर समाज में अपनी प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व हमारे संस्कारों से आते हैं जो हमें हमारे परिवार और माता पिता से मिलते हैं। श्रेष्ठता जन्म से नहीं आती है, गुणों के कारण ही आती है। दूध, घी, दही, छाछ सब एक ही